गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे क्लास 9 का अध्याय 2 का अभ्यास नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको जांच करके बताना है। दो बहुपद दिए हुए हैं, एक छोटा बहुपद एक बड़ा पावर वाला, कम पावर वाला एक बड़ा पावर वाला आना होगा। तो उसको जांचना है कि छोटा पावर वाला जो कम पावर वाला जो बड़े पावर वाले का एक टुकड़ा मतलब गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, तो इसको यदि ठीक समझना तो मैं बस प्रश्न चाहूंगा, इसका जो पहले वीडियो बना हुआ है इसको सिर्फ गुणनखंड कैसे पहचानते हैं या शेषफल कैसे निकालते हैं, दोनों को मैंने एक साथ बताया है क्योंकि दोनों कहानी लगभग लगभग मिलती जुलती है। ठीक है, उसमें एग्जाम्पल के साथ जो मैंने बताने की कोशिश की उसको देखने की कोशिश कीजिए, वो भी 100% समझे, वो भी समझ के तो आपकी 100% समझ में ऐसी गारंटी पहनूंगा, क्योंकि जब तक उसको आप ठीक से नहीं समझेंगे इसको देखने पर कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन मन में रह जाए, कुछ ना कुछ संशय हो जाए, उस संशय क्यों ना दे। तो कोशिश कीजिए कि हाँ ऐसे बताने की कोशिश करूंगा मैं समझ में आ जाए, लेकिन 100% समझ में आने के लिए आपको पूरी तरह समझ में होकर के जब समझना है कि एकदम समझ में आ जाए तो आपको प्लीज पिछला वीडियो देखना चाहिए। उसके बाद इसमें आते हैं जो पहली बार देखा उनके लिए, जो पिछला वीडियो देखे हुए उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी समझ जाएंगे, इसलिए सबको कहना चाहूंगा इस बात को। तो हम क्या करते थे, चलो भैया दो बहुपद है ना, दो बहुपद तो बड़े पार वाले को पी एफ एस मान लिए, छोटे पार वाले को जी एफ एस मान लिए। ठीक है, अब मानना थोड़ी बात है नहीं, अब पहचाना गुणनखंड है यानी, तो गुणनखंड का आपको दो तरीके बताया गया था आपको उसने कि भाग देंगे तो भी पहचान सकते हैं या शेषफल प्रमेय से निकालते जिस तरह से वैसे ही। तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए नंबर दिया मैं 6, एक नंबर दिया 7, इसको 2 से डिवाइड देते हैं, 2 दिया 6 खत्म हो गया ना, या 3 से भाग देंगे 6 को, 3 दुना 6 खत्म हो गया ना, और वही इसी को 2 से भाग देंगे, 2 दिया 6 फिर भी बच गया, 3 से भाग देंगे। ठीक है, 3 कम 2 दिया 6, 3 दुना 6 बचा 1। इसमें क्या हो रहा है गौर कीजिएगा कि इसमें भाग दिए तो 0 आ गया, उसमें भाग दिए 0 नहीं आ रहा। ठीक है, किससे भाग दिए, 2 और 3 से भाग दिए थे हमको, तो ज्यादा ध्यान दिया 6 को तोड़ेंगे लोग। ठीक है, 2 दिया 6, ठीक है गुना में ना, गुना में टुकड़ा है ये इसलिए आया, 7 को तोड़ेंगे 2 और 3 नहीं आएगा तो टुकड़ा में नहीं आ रहा, तो इसका टुकड़ा में ये भी था और ये भी था 2 और 3, जिसका उसने 0 लाया और टुकड़ा में नहीं था, ये साथ टुकड़ा में 2 और 3 नहीं था, उसने 0 नहीं लाया। कहना मतलब कि भाग के पता लगा सकते हैं हम लोग कि वो 0 लाता है तो बोलेंगे जिस भाग दिए हम लोग वो 0 ला दिया, तो बोलेंगे चलो ये छोटा वाला चीज जो है बड़े वाले का एक टुकड़ा है, इसमें नहीं ला पाए तो छोटा वाला जो बड़े वाले का टुकड़ा नहीं है क्या भाग देकर, लेकिन भाग देने का प्रोसेस जो है काफी लंबा हो जाता है, इसलिए आपको ये पिछली कक्षाओं में बताया गया था। अब उसको बनाना कैसे, गुणनखंड प्रमेय से बनाना है, तो गुणनखंड प्रमेय से क्या करते हैं लोग, शून्य की सहायता से बनाते हैं ना, शून्य तो शून्य किस निकाल, भाग किससे दे रहे थे लोग छोटे से ना, तो वहाँ छोटा पावर वाला कौन है, ये नंबर क्या चिन्ह क्या मतलब नहीं, कम पावर वाला कौन है, ये ना जो छोटे वाला पावर वाला शून्य निकालेंगे उसी शून्य पे डाल देंगे बड़े पावर वाले में, यदि 0 ला देगा जैसे यहाँ पर था होगा, 0 ला दिया तो टुकड़ा है, 0 नहीं लाया टुकड़ा नहीं है, वही इसमें छोटे पावर वाले से शून्य निकालेंगे, उस शून्य को क्या करेंगे बड़े पावर में डाल देंगे, और बड़े पावर यदि वो 0 बनाता है वो शून्य इसको भी 0 बनाता है तो उसमें टुकड़ा है और 0 नहीं बनाता टुकड़ा नहीं है। ठीक है, चलते हैं आते क्वेश्चन पे, चलिए क्वेश्चन बनाते हैं लोग। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है भैया, पी एफ एस जी एफ एस, ठीक है सुनने के बाद क्या गुणनखंड निकालना, चलिए लिखते हैं, और शेष पर नहीं गुणनखंड है जस्ट कहानी लगभग वैसा ही, कहानी हल्का चेंज हो जाएगा लेकिन लगभग 90% वैसा ही कहानी मिलता है जैसे शेष पर था। ठीक है, जैसे क्वेश्चन 1 और 2 में था आपका, चलते हैं क्या लिखेंगे, ओह जी एफ एस तो किससे गुणनखंड निकालना, गुणनखंड पता करना। ठीक है भैया, उसी तरह से गुणनखंड प्रमेय से, अब गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से फैक्टर थ्योरम से, क्या भैया क्या है, जिस शेषफल प्रमेय से वही करते थे उस गुणनखंड प्रमेय वही करेंगे, सिर्फ अंत में कुछ शब्द बढ़ेंगे कुछ लाइनें बढ़ेंगी। चले गुणनखंड प्रमेय से कम पावर वाला मतलब क्या, जी ऑफ एक्स, चल भैया इसका मान 0 होना चाहिए, शून्य निकालेंगे, शून्य निकालेंगे जो शर्त था वही शर्त रहता है बराबर है और लेंगे जी ऑफ एक्स का मान 0 होना चाहिए मतलब क्या, तो इसके बदले में ये डाल देंगे 7 + 3x का मान 0 होना चाहिए मतलब क्या भैया मेरे, एक्स शून्य निकालने से इसका वो वैल्यू जो इसको शून्य बना देगा, बताया गया था शून्य का लेसन पढ़े शून्य का लेसन वीडियो देखिए सारा कुछ समझ में आ जाएगा, एक्स वाला एक तरफ बिना एक्स वाला एक तरफ, अरे प्लस से माइनस नहीं होगा, बॉडी पीछे रही बॉडी पीछे ही 0 प्लस 7 होता है माइनस 7 हो जाएगा ये, और क्या हो गया गड़बड़ लगता है नहीं ना। ठीक है चलेगा भैया मेरे, एक्स वाला एक तरफ बिना एक्स वाला एक तरफ पहले उससे मिलेंगे जो घर में पहले से गुणा में 3 है बटा में 3 क्लियर, एक्स तो निकल गया हम लोगों को, ओह एक्स निकलेगा तो क्या हुआ, अरे शून्य निकल गया ना किसका, छोटे पार वाले का, इसका शून्य निकाल लिया हम लोग, हो गया -7/3 बढ़ा देंगे 0 आ जाएगा -7 + 3 × x के बदले क्या -7/3 खत्म, +7 - 7 0 0 ला दिया मतलब ये शून्य क्या किसका कम पावर वाले का, अब ये शून्य को क्या करेंगे बड़े पावर में डाल देंगे, बड़े पावर में डाल दी उसको भी 0 बना दिया
तो बोलेंगे चलो ये ठीक है, छोटा पावर वाला बड़े पावर वाला टुकड़ा है, और ये जीरो नहीं बना पाया तो छोटा पावर वाला बड़े पावर वाला टुकड़ा नहीं है, बस इतने पर तो सारा खेल कर देना है। ओह क्या किया, चलो बस शून्य निकाल दिए, किससे, छोटे पावर वाले से शून्य निकाल दिए, क्या करना है इसको, बड़े पावर वाले डाल दें, बड़ा पावर कौन थे पी एफ एस, ना तरीके पी एफ एस नहीं, यहाँ तो है ना पी एफ एस नहीं मानते, नहीं मानते नहीं मानते, उससे चलता ना होगा, चलते क्या बड़े पावर कौन पी एफ एस लिखेंगे इसी को, जब क्या लिखेंगे, जब एक्स बराबर यही वैल्यू माइनस सात बटे तीन, तब या तो किसको, तो बड़ा पावर, तो बड़ा पावर और क्या पी एफ एस क्या था भाई मेरे 3x³ + 7x था, तो क्या हो रहा है, अरे तो इसका वैल्यू निकालिए ना, इसलिए पी एफ एक्स पर क्या था माइनस सात बटे तीन, जहाँ जहाँ एक्स हुआ माइनस सात बटे तीन थ्री रहेगा, इंटू एक्स पर क्या जहाँ जहाँ एक्स हुआ माइनस सात बटे तीन, बाकी छाप देंगे जहाँ जहाँ एक्स हुआ माइनस सात बटे तीन, तीन रहेगा गुना रहेगा, यहाँ तो इसका वैल्यू निकालना है, यदि जीरो आ गया इस वैल्यू पे, एक्स पर ये है एक्स पर इतना आ गया, इस पर कितना आएगा, ठीक है वो जीरो आ जाता है तो उसी को बोल देंगे वो काम खत्म है उनका, सारा कहानी वही है, क्या था उनका गुना है बटन पावर सब पे आता है, ठीक है ये पावर सब पे चला जाएगा, माइनस का पावर जोड़ा में नहीं है माइनस में जाएगा, सात का पावर तीन, सात 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 करेंगे 343 हो जाएगा ये, बट्टा में तीन का पावर तीन, तीन तीन होती है 27 हो जाएगा ये, और प्लस माइनस माइनस यहाँ काम सर सकते 49 बट्टे में तीन, ओहो कट रहा, चलो मैं काट लेते जरा सा आसान पड़ेगा, तीन से एक बार में तीन से नौ बार में कितना है माइनस 343 बटे नौ माइनस 49 बटे तीन, अरे भैया क्या हो गया, बट्टा विजन प्लस हड़ना में सारा आवाज क्लियर है, बट्टा विजन प्लस माइनस एलसीएम लेंगे, तीन और नौ का एलसीएम निकाल लेंगे, तीन और नौ का एलसीएम नौ जाएगा, सभी जानते हैं तीन से एक बार में तीन से तीन बार में नौ आ गया होगा, ओ भैया है नहीं देंगे छाप देंगे माइनस 343 हो जाएगा, अरे भैया नहीं है, ओह नहीं नहीं गड़बड़ हो जाएगा, भाग देना पड़े नीचे भाग ऊपर हो, तीन से मारो इसको तीन बार में, तीन से गुणा करेंगे इसको, तीन नंबर 27 के साथ हाथ मेरा दो, नीचे को 12 और 2 14, अरे भैया क्या हो रहा है, चलते हैं कर्जा 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 बढ़ जाएगा, मतलब जोड़ना पड़ेगा, 7 × 10 का 0 हाथ मेरा 1, 4 × 5 और 4 9, अब क्या हासिल करें 3 × 1 4 / 9, अरे अब काम नहीं हो, अरे भैया क्या हुआ इसका भाई जीरो आया नहीं, ओहो टुकड़ा नहीं है, भाग देने पर भी नहीं आता लगता है, अरे लफड़ा हुआ था, लिखेंगे चुकी चुकी पी ऑफ किसका, इसका मान पी ऑफ इसका मान, चुकी पी ऑफ क्या तो माइनस सात बटे तीन, चुकी माइनस सात बटे तीन रखने पर क्या इसका वैल्यू जीरो नहीं आया है, इसलिए जीरो आता तो हाँ में आता है जीरो नहीं आता, और वही शेषफल भी निकलता ना, शेषफल पर मैं टिटू यही चीज था, इसलिए शेष यही शेष बन जाता था मौका, ठीक है और गुणनखंड में क्या है जस्ट थोड़ी सी तब्दीली है, बाकी सारा कुछ वही है, शेषफल निकाले में जस्ट ये लेंगे चलते थे, यहाँ क्या लिखते थे शेषफल प्रमेय से, सारा वर्ण से लेके सारा क्वेश्चन अगले अध्याय में भी, अगले सॉरी अध्याय बोल रहा हूँ अगले प्रश्नावली में भी, ओके 2.4 में सारा क्वेश्चन ऐसा ही आने वाला है, चले तो यहाँ पर क्या था शेषफल प्रमेय, शेष निकालने की सारा प्रोसेस यही था, और यही जो आता था ये हम लोग शेष बनता था, अब यहाँ पर हम लोग शेष निकाल रहे गुणनखंड पता है नहीं, ये पता कर रहे हैं हम लोग टुकड़ा है या नहीं, तो वही प्रोसेस चलेंगे सारा, सिर्फ यहाँ शेषफल की जगह गुणनखंड प्रमेय लिख देंगे, ठीक है सारा प्रोसेस वैसा ही रहेगा, और यहाँ आने के बाद देखेंगे यदि जीरो बचता है तो बोलेंगे कम पार में बड़े पार का गुणनखंड है मतलब टुकड़ा है, और जीरो नहीं बचता टुकड़ा नहीं है, चले तो जीरो नहीं आया इसलिए क्या हो जाएगा भैया मेरे कम पार वाला, क्या था भैया मेरे 7 + 3s किसका बड़े पार वाले का, ये था 3x³ + 7x का टुकड़ा है क्या, नहीं ना का टुकड़ा क्या एक टुकड़ा जरूर लिख देंगे, एक टुकड़ा क्यों लिखे एक टुकड़ा बताएंगे हम, एक टुकड़ा नहीं है, क्यों नहीं है भैया मेरे, अरे भैया जीरो नहीं आया इसलिए ना नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ था, तो स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमने क्या किया कम पार वाले से, एक बार जरूर करना चाहूंगा किसी वीडियो में क्वेश्चन पहले मैं जितना बोलता हूँ ठीक है उनको समझने की कोशिश की, क्वेश्चन दरमियान जो बोलता हूँ उनको और क्वेश्चन बाद जो बोलता हूँ, बस सारी कहानी वहीं पर सारा कॉन्सेप्ट वहीं पर, और जितना आपका किसी भी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन आपके लिए कोई दिक्कत का सवाल खड़ा करेगा ही नहीं, चले तो एक नंबर क्या किया हम लोग सबसे पहले मान ली, नहीं मानते तो भी चलता, जैसे मान लेते इसको ये भी लिख सकते ना कि जियो का जियो पी एफ का टुकड़ा है या नहीं है वो लिखना पड़ता, ठीक है तो उन्होंने नाम पर लिख दिया माने रहते तो उस पर भी लिख सकते थे, कोई टेंशन नहीं, नहीं माने ना माने उससे मतलब नहीं है, चले तो कम पार वाले को दिखाना है तो क्या किया था कम पार वाले से शून्य निकाले थे, कम पार वाले का शून्य निकाले, अब इसी शून्य में क्या करेंगे बड़े पार वाले में डाल दिए थे, इसी शून्य में क्या किए थे हम लोग इस शून्य को बड़े पार वाले में डाल दिए, इसमें अब इसमें जब डाले हम लोग शून्य को डाले तो वो देखेंगे वो जीरो भी आता तो बोलते टुकड़ा है, जीरो नहीं आ रहा टुकड़ा नहीं है, जीरो नहीं आया टुकड़ा नहीं, ये वीडियो खत्म करता हूँ, अगले क्वेश्चन फिर से मिलते हैं, और ठीक यही क्वेश्चन बनने वाला है आपका
अगला 2.4 में ध्यान दीजिएगा। 2.4 का सारा क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 2, शायद 1 2, हाँ 2 क्वेश्चन सारा होगा, वो ये लैंग्वेज आने वाला है। चले तब तक विदा चाहता हूँ। यदि आपको लगता है कि समझ में आ रहा तो बेधड़क आप अपने दोस्तों को बांट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चले तब तक विदा चाहता हूँ, नमस्कार।